नमस्कार, मैं आकाश कुमार, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। आज रालोसपा, हम कांग्रेस के कई बड़े नेता जदयू में शामिल हुए। जदयू के कार्यालय में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की उपस्थिति में नेताओं को जदयू की सदस्यता दिलाई गई। आज शामिल होने वाले नेताओं में रालोसपा के कई बड़े नेता थे, जिसमें प्रमुख नेता थे रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री राम बिहारी सिंह। शामिल होने वाले नेताओं में प्रमुख थे के रघुनाथन, प्रदेश अध्यक्ष केरल रालोसपा। रालोसपा के हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमेश भोले, पश्चिम बंगाल के रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीर गुप्ता, रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव युवा स्तुति दुबे, रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव जहांगीर खान, रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव युवा प्रभारी उत्तर प्रदेश अमित कुमार श्रीवास्तव, रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव महिला प्रकोष्ठ मनीषा शर्मा, हम के प्रदेश महासचिव मनोज तिवारी के अलावा भी बहुत सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। मिलते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज में, धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। माननीय वशिष्ठ बाबू जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, बड़े भाई संजय गांधी जी, अनिल जी और अभी सुखी सिन्हा जी, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें, ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसे मैंने विज्ञप्ति में दिया है। आज ज्वाइन करेंगे राम बिहारी सिंह, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से राम बिहारी सिंह, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। राम बिहारी सिंह रंगनाथन प्रदेश अध्यक्ष केरल, दादा उनको माला पहना रहे हैं। रमेश भोले प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल, रमेश भोले प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल, आगे आइए प्रवीण गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बंगाल, प्रवीण गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बंगाल, प्रवीण गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बंगाल, विजेंद्र निशान राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित महादलित, विजेंद्र निशान दलित महादलित के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहांगीर खाए जहांगीर खान जहांगीर खान राष्ट्रीय महासचिव रालोसपा, गया के निवासी है। पार्टी के निर्माण काल से वहां पर अजुआ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, महत्वपूर्ण साथी है, वे भी अभी शामिल हो रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार सिंह कांग्रेस पार्टी से आए हैं, मजबूत साथी है, हाथीपुर के इलाके के रहने वाले, समस्तीपुर के रहने वाले, वो भी शामिल हो गया। इनके साथ कई साथी है और बता दें, रालोसपा के राम बिहारी भाई के साथ राज्य के दर्जनों पदाधिकारी और स्टेट के पदाधिकारी, जिला के भी पदाधिकारी जो इस हॉल में बैठे हैं, सब लोगों ने सम्मिलित रूप से इसमें शामिल हो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
अध्यक्ष हमारे बड़े भाई दादा वशिष्ठ नारायण सिंह जी के बोलने के बाद मेरे बोलने का कोई मकसद नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि वर्तमान राजनीतिक दौर में जहां राजनीतिक दलों के अंदर जो है कम दल और बड़ी राजनीति की परिकल्पना है, आदरणीय नीतीश कुमार और माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी के नेतृत्व में मुझको उम्मीद है कि इस दल को मैं ताकत देने में सफल रहूंगा और मुझको उम्मीद है कि बिहार का जो राजनीति अभी खड़ा हो रहा है उसकी मैं कड़ी बनने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को इस बार का जो चुनाव होगा हम लोगों का यही प्रयास है कि सभी सीटों पर हम विजयी हों, विजय हासिल करें। और मैं जो भी राम बिहारी जी के साथ साथी आए उनका भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि देश के राजनीति में अभी कुछ प्रश्न खड़े हैं कि देश में मुद्दों की राजनीति चलेगी या नकारात्मक रूप से सवाल राजनीति में पैदा करने वालों को, जिनके पास कार्यक्रम नहीं है, जिनके पास नीति नहीं, जिनके पास दृष्टि नहीं, जिनके पास सोच नहीं, क्या इस राजनीतिक संघर्ष में वो भी कहीं सामने खड़ा हो पाएंगे क्या? हम बिहार में चुनाव में जो जा रहे हैं, हमारे यहाँ जो काम हुआ है उस काम के आधार बिहार की तस्वीर सभी क्षेत्रों को कहने की जरूरत नहीं है, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो, जिन क्षेत्रों की बात चाहे सात निश्चय का कार्यक्रम जो चल रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान थोपने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नव जीवन का मानव संचार करने के लिए, उन कार्यक्रमों को तो लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे मौके पर इन लोगों का जो ज्वाइनिंग हुआ है इसको मैं पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और ये जो इनका तो ज्वाइनिंग ये घर वापसी का है और जो घर वापसी होता है उसके लिए बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो घर में आता है, घर का व्यक्ति होता है, उसके लिए तो घर का दरवाजा हर समय खुला होता है। इनके लिए भी तो दरवाजा पहले भी था, आज भी है और पार्टी को मजबूत करे इतना ही इसका करके राम बिहारी जी से कहूँगा। अच्छा कि दो शब्द का है जी, आज आपके जदयू के भी कुछ लोग शामिल हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा के सामने और कुशवाहा ने भी दावा किया है कि जदयू पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ शामिल हुए हैं और जदयू कमजोर इसका जजमेंट आपके ऊपर में छोड़ते हैं। इसका जजमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। जरा चेहरों को देख लीजिए, उनकी तस्वीर देख लीजिए, पार्टी में उनका आकार देख लीजिए, पार्टी में उनकी हैसियत देख लीजिए और पार्टी में उनकी क्या भूमिका है जनता दल में इसको देख लीजिए और खुद आप आकलन करेंगे उसका जवाब हमसे बात करें। साथियों, क्योंकि हमने सोचा कि एक भाग एक अध्याय में खत्म हो जाए और दूसरे अध्याय भी सुने, ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह ये ज्वाइन कर चुके हैं और ये कांग्रेस की राजनीति से संबंधित थे और कोऑपरेटिव में ये अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष बिहार के थे और इनके साथ कई प्रोफेसर कई कांग्रेस के उस जिला के महत्वपूर्ण साथी आज ज्वाइन कर रहे हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह का भी मैं स्वागत आज करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वहाँ की राजनीति में आप सक्रिय रूप से इस चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका रहें। हमारे पार्टी के मुख्यालय के महासचिव अनिल जी, प्रेस और मीडिया के साथियों, आज आप लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है एक विशेष खबर देने के लिए और आप लोगों को पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ
तिहाई जनता दल में शामिल होने के लिए एक लंबी कतार लगी हुई है और आपने देखा है कि कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई राजनीतिक दल के लोग भी हम लोगों के यहाँ साथ हाथ करके मिले हैं।